नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे माननीय का भविष्य जो है वो मुसीबत में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेताओं का एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार तेज हो गया है और लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही सांसद और नेता अपने अपने ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में पहले बसपा के कुछ सांसद नए ठिकाने की तलाश में हैं। कहा जा रहा है कि बसपा के कई सांसद नया घर ढूंढ रहे हैं। बता दें कि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बसपा प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बसपा सपा गठबंधन में जीते सांसद अब 2024 के चुनाव में भी संसद पहुंचने की जुगत में जुटे हुए हैं। 10 में से 2 सांसद पहले ही पार्टी को बाय बोल चुके हैं। सांसद दानिश अली को बसपा से निकाल दिया गया था, बाद में दानिश अली ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया है। वहीं बसपा की बात करें तो बचे हुए 8 में से 3 सांसद के पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो माननीय है जो सांसद हैं बसपा के उनके राजनीतिक भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए उसको लेकर वो जुगत में लगे हुए हैं। 10 में से 2 सांसद पार्टी को बाय बोल चुके हैं, जिसमें से दानिश अली को बसपा ने निकाल दिया था। और अगर बात की जाए तो अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है, टिकट दिया है। 8 में से 3 सांसद पाला अभी भी बदल सकते हैं, अभी समय है हालांकि, और बीजेपी और आरएनडी में उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं मलूक नागर के आरएलडी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। रितेश पांडे भी बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरीके के तमाम कयास अभी लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो सांसद हैं खास करके समाजवादी पार्टी के सांसद वो यहां पर लगातार अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने में जुटे हुए हैं। नए नए कयासों का बाजार इस वक्त गर्म है क्योंकि जल्द ही लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही वैसे दल बदल की राजनीति लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो 10 सांसद जो बसपा ने जीते थे उसमें से 2 बसपा का साथ छोड़ चुके हैं और अब 8 सांसद जो हैं वो लगातार यहाँ पर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए जुगत में लगे हुए हैं।